गिरिडीह में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में इस बार पुलिस ने एक दर्जन अपराधियों को दबोचा है और इन अपराधियों के पास से पुलिस ने 19 मोबाइल फोन के साथ 33 सिम कार्ड, 5 बाइक और 2,19,000 नकद भी बरामद किया है। गुरुवार को SP दीपक कुमार शर्मा और DSP संदीप सुमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में एक अपराधी यूपी के गोंडा जिले का और दूसरा देवघर के झिलुआ गांव का रहने वाला है। दीपक वर्मा को उसके मौसेरे भाई ने हर माह 15,000 की बात कहकर साइबर अपराध की दुनिया में लाया। सच्चिदानंद समेत उसके गिरोह ने दीपक को हर बैंक खाता धारक को अलग अलग प्रलोभन देकर फंसाने की ड्यूटी दे रखी थी। SP और DSP ने बताया कि सभी अपराधी अल्पेमिकस ए निदेशक टीम वियर का लिंक भेजकर गर्भवती महिलाओं के परिजनों से इंस्टॉल कर उनके बैंक खाते से पैसे की ठगी करते थे। ये अपराधी डाटा उपलब्ध कराने वाली कंपनी के प्रतिनिधि से मिली भगत कर बैंक खाता धारकों के नंबर तक जुगाड़ कर लेते थे और ये सारा काम सारे फर्जी सिम कार्ड और ATM के जरिए करते थे। SP ने बताया कि अब तक जिले में 85 अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरिडीह पुलिस के द्वारा लगातार साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी संबंध में सूचना मिली और प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से भी सूचना प्राप्त हुई कि कुछ साइबर अपराधी गिरिडीह जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों में साइबर अपराध करने की योजना बना रहे हैं। इसी योजना को ध्वस्त करने के लिए और DSP साइबर के नेतृत्व में DSP प्रोबेशनर के साथ में एक टीम बनाई गई और टीम के द्वारा छापामारी की गई और छापामारी के क्रम में गिरिडीह जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों से 12 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है और इनके पास से अभी तक 19 फोन सेट, 33 सिम, 1 ATM कार्ड और 5 मोटरसाइकिल तथा नगद 2,19,000 रुपये की बरामदगी की गई है तथा इन्होंने कन्फेस किया है कि ये मातृत्व लाभ दिलाने के नाम पर 6,300 रुपये का जो एक मातृत्व लाभ राशि सरकार देती है उसके लाभ दिलाने के नाम पर ये ठगी करते थे तथा और अन्य माध्यमों से ये जो है रैंडमली सीरियल किलिंग कर बैंक के फर्जी अधिकारी बनकर लोगों को झांसे में लेकर OTP और पासवर्ड प्राप्त कर उनसे भी ठगी करते थे तथा एयरटेल पेमेंट बैंक के मित्रा ऐप के माध्यम से भी लोगों का ई वॉलेट के नंबर प्राप्त कर उन्हें कॉल कर उनके पैसों की ठगी करते थे। इस प्रकार अभी तक लगभग गिरिडीह जिला में लगभग 82 से भी अधिक अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। न्यूज विंग के लिए गिरिडीह से मनोज कुमार पिंटू की रिपोर्ट।